आइए और ले जाइए स्वादिष्ट शकरकंद, गर्मा गर्म पोषण से भरपूर मीठा आलू। ये खाते ही आप बसंत ऋतु अब तक क्यों नहीं आई, ये ठंड तो बर्दाश्त नहीं होती। सर ने इतने पैसे तंगा से काट लिए कि पूछो मैं, पेड़ काटने के लिए अब ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई है, खासकर जंगल में। तो मेरा नसीब अच्छा है कि रेलवे स्टेशन में मुझे पहरेदार की नौकरी मिल गई। मीठा आलू ले जाइए, मीठा आलू। ठंड बहुत ठंड है, मैं तो मर जाऊंगा, गर्म रहना पड़ेगा। अरे टकलिया, तुम इधर क्या करने आया है? मैं तुमको पैसा देता है गेट पे पहरा देने का, इधर मस्त आराम से बैठने का नहीं, अभी के अभी बाहर जाने का और गेट पे पहरा देने का और अलर्ट भी रहने का। जाओ। नहीं नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालिए। मेरा काम खत्म हो गया है, यहाँ ठंडी में तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम सही कह रहे हो, हमें कहीं दूर जाके खाना ढूंढना पड़ेगा छोटे, समझ गए? अभी भी खाना नहीं मिला, मुझे नहीं लगता और मैं चल पाऊंगा, कितना थक गया हूँ। वो क्या है? हम नजदीक है, मुझे पता है, खुशबू तो अच्छी है, ये वहाँ से आ रही है, वहाँ ट्रेन रुकती है, हमें सावधान रहना पड़ेगा, चलो। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। मीठा आलू, फ्राई किया हुआ शकरकंद, फ्राई किया हुआ शकरकंद। मुझे भी, लेकिन हमारे डर से लोग भाग सकते हैं। हाँ, तरकीब है, छोटे आ जाओ। फ्राई किया हुआ शकरकंद, स्वादिष्ट मीठा आलू, सर्दी भगाने का आसान तरीका, आइए और ले जाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें स्वाद की कोई बात नहीं है, सिर्फ आलू है, फिर भी खुशबू तो बहुत अच्छी है। ये सिर्फ अच्छी नहीं है, मैंने जितना देखा था ये तो उससे भी अच्छा मीठा आलू है, एक बार देख तो लो, वो कितना गर्म खुशबूदार और स्वादिष्ट है। मुझे एक चाहिए। मुझे चाहिए। ए भाई साहब, भाई तुम तो वाकई भूखे लग रहे हो, एक मीठा आलू खा के देखो, अभी फ्राई किया है। तो नहीं लगेगा। एक सेकंड रुको, देखो सही कीमत है, ₹1 में 3, बुरा नहीं है, है ना? हमारे पास पैसे नहीं है। क्या क्या है ये? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, सच में, क्या मैं एक ले लूं? बोलो। मैं साफ साफ बता देता हूँ, भिखारी हो तुम, भागो यहाँ से, मैं प्रसाद नहीं बांट रहा हूँ। भाई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर हमारे पास कुछ पैसे होते हैं तो हम कुछ खाना खरीद सकते थे। एक सेकंड रुको डब्लू, मुझे सोचने दो। हाँ मिल गया। भाई तुम्हें लगता है इससे काम होगा? चलो अभी देखते हैं। दो भूखे अनाथ बच्चे के लिए कुछ पैसे दे दीजिए, कृपया हम पे मदद कीजिए, हम बहुत भूखे हैं। ये तो बेकार हो गया, चलो हमारा पर्स खो गया है, कृपया हमारी मदद कीजिए। हम तो इससे भी नहीं हुआ। तीसरी तरकीब, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी मदद करो कृपया। हमें पैसा मिला है क्या? बस इतना ही? ये तो पूरा भी सेव नहीं है, भिखारी की भी इज्जत होती है, मुझे बताता ही होगा। मुझे बहुत भूख लगी है। हम कुछ और सोचेंगे, चिंता मत करो। शायद, लेकिन मैं उतनी देर नहीं रुक सकता, मुझे अभी कुछ खाना चाहिए। छोटे रुको, जरा देखो अपने आप को, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। भाई वो देखो, भाई देखो उस बोर्ड पे क्या लिखा है। हाँ देखने दो छोटे, वहाँ पर लिखा है पुराने सामान के बदले पैसे दिए जाते हैं। सच में? हमें अगर कुछ सामान मिल जाए तो क्या मुझे बेच सकते हैं, फिर खाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। हे अच्छी तरकीब है, हम कुछ सामान लेके आएंगे और वहाँ जाके बेच देंगे, फिर हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। एक बार ही सही, तुम बहुत चालाक हो। नहीं नहीं नहीं, मैं हमेशा सही चालाक हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, इस बार तुमने अच्छा किया है। फिर हमें किस बात का इंतजार है, चलो चलो जल्दी करो। अरे धक्का मत दो। देखो मुझे एक मिल गया। हाँ मुझे भी एक मिला, देखो। अरे वाह, ये देखो। मुझे एक मिल गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? टकला बच्चा। अरे तुम दोनों चलो यहाँ से भागो डब्लू। भालो रुको। ए छोटे जल्दी करो। तो ये चक्कर,
तुम लोग मेरे पार्ट टाइम नौकरी को खतरे में नहीं ला सकते। क्या कर रहे हो तुम? और ये सोडा के केन इधर उधर क्यों फेंका? वो तो उन गंदे भालुओं ने किया है। ओ, तुमको बोलना है कि सपने में भालू आया था। अब ये बकवास बंद करो और काम पे ध्यान दो। चलो जल्दी निकलो। वो तो गंदे भालू तो कहीं भी आ जाते हैं और मुझे उनकी गंदगी साफ करनी पड़ती है। और मेरा नया सर समझता है कि वो बेमिसाल है। उसे लगता है वो सही है क्योंकि उसके सर पर बाल है। यहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं डब्लू, लगता है हमारा पीछा छूट गया। हमारे सारे डब्बे कहाँ गए? हमने कितनी मेहनत की थी, सब बेकार हो गए। अब आया तेरे की लखा पता नहीं कहाँ से पहुँच गया। ऐसा लगता है कि उसे तकलीफ देने के लिए भेजा गया है। अब शायद हमें घर जाना चाहिए। रुको भाई, एक बार और देखते हैं, हो सकता है हम इस बार कामयाब हो जाए। क्या बोलता हो डब्लू? इस रास्ते में कौन कचरा डालता है? रुको, ये तो छोड़े का डब्बा है। वाह, इतना सारा डब्बा है। काम शुरू करो छोटे। इसका मतलब हमारी किस्मत हमारे साथ है। आखिरकार हम मिटालू खा पाएंगे। ए, चलो भी, तुम्हारा खाना इंतजार कर रहा है। मैं खाने का मन खराब नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? देख कर नहीं चल सकते क्या? बच्चों के बच्चे, बदबूदार भालू। नहीं, फिर से नहीं। डब्लू और डब्लू, दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते, समझा? और मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तुम दोनों वाकई गंदे भालू हो। बोलो जो चाहिए इससे लड़ने के लिए। मैं तुम्हें पकड़ कर आऊंगा। अरे ये तो टूट गया। टूटा क्यों? तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच जाओगे? चलो फिर इसको तोड़ के दिखा दो। जल्दी करो डब्लू। अरे बाप रे, बड़ा मजा आया। मेरे साथ पंगा लेते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अरे अरे, मैं गिरने वाला हूँ, मैं गिरने वाला हूँ। क्या पागल बनती है यार? भाई तुम्हें लगता है कि लखा ठीक हो जाएगा? छोटे, उसने हमारा पीछा किया। ये क्या चल रहा है? अरे वो दोनों तो हमेशा परेशान करते रहते हैं। अरे यार, हेलो सर। ये क्या लगा रखा है? देखो क्या हाल किया है। तुम मुझे थोड़ा ठीक से बताओगे कि यहाँ तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें क्या ये नौकरी प्यारी नहीं है लखा? लेकिन ये मैंने नहीं किया है, उन दो भालुओं ने किया था। सच कह रहा हूँ। मुझे बताओ, तुम अकेले को ही वो भालू कैसे दिखाई देते हैं लखा? हाँ, कहाँ है वो? अब वो क्या यहाँ है? वो क्या यहाँ पीछे है? कहाँ है भालू लखा? कहाँ है वो? उस तरफ गए। तुम क्या मजाक कर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं ये विश्वास करूं? हाँ, अब तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। अपना सामान उठाओ, निकलो। ठीक से काम कर लेता हूँ। मुझे एक और मौका दे दीजिए। नहीं समझे? तुम्हें बता रहा भाई, मुझे आलू बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या हो लखा? मैंने अपनी पार्ट टाइम नौकरी खो दी। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। जानता हूँ मैं। इसकी खुशबू तो अच्छी है। मेरी किस्मत अच्छी है शायद। क्या तुम ये मुझे दे रहे हो? शुक्रिया। तुमने मुझे खाना दे दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। कहाँ चले गए वो? मैं खाओ। उसने तो मीठे आलू के लिए धन्यवाद भी नहीं बोला। वो तो सच में बहुत ही अकड़ू है। डब्लू, तुम ज्यादा मत सोचा करो, समझे तुम?
हमारी वजह से लखा की नौकरी चली गई। तुम बहुत ही अच्छे हो कि तुमने उसे कुछ खाने के लिए दिया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मीठा आलू इतना पसंद है। ये स्वादिष्ट है, इसके साथ थोड़ी मलाई होती तो और मजा आता। मुंह में पानी आ गया। धीरे भाई, खुद को चोट मत पहुंचाओ।